पानी ये भाई पानी के लिए परेशान है देखो पानी हाँ। क्या हो गया भैया? भाई लोग YouTube में मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो यार। कॉपी दारू उतार दूंगा और इतना भी क्या बोल रहा हूँ मैं? जानता कौन हूँ? जानता है तू कौन है? मैं बता कह रहा हूँ, इतना मारूंगा भी सब उतार दूंगा। एक मिनट, मुखी इस तरह से मिलना जी असंभव है। असंभव ही नहीं जी, नामुमकिन है। जैसे है ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही मूर्ति उज्जैन में है बस जी। गया के पास जी, अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे हमें, तो हम लोग हैं समय दयाकोटा में, जो उज्जैन में पड़ता है। और उज्जैन की ये हनुमान जी की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ उज्जैन में है, पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिले, देखने को मिलेगी आप लोगों को, जिसमें हनुमान जी के 11 सर हैं। और ऐसी मूर्ति शायद ही आप लोगों ने इससे पहले कभी देखी होगी, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। A few moments later, उज्जैन वाली ट्रेन में आप लोग आराम से खाना खा सकते हैं गाइस। देख सकते हैं कितनी सफाई से खाना बनता है और इतने प्यार से डालते हैं, बहुत बढ़िया करके पैकिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनों में इससे ज़्यादा खाना बन के और पैक करके ऐसे पोलिथीनों में रखा हुआ है, तो यहाँ से लेके जाएंगे ट्रेन में, फिर खाते हैं यात्री खाना। और काफ़ी सफाई से बनाते हैं देखो खाना। तो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं हम लोग ट्रेन में, और ट्रेन यार काफ़ी लेट हो गई थी आज, तो काफ़ी देर बाद ट्रेन आई, तो ट्रेन में बैठ गए हैं। बाकी सीट वगैरह मिल गई आराम से, बढ़िया। तो यार रिजर्वेशन तो हो नहीं पाया हमारा, तो जनरल के ही डब्बे में बैठे हुए हैं भाई, लेकिन जनरल में भी भीड़ लगी है काफ़ी। ऊपर वाली सीट मिल गई थी तो आराम से थोड़ी देर सो भी गया था, नींद भी आ गई थी। ओम प्रकाश तो लेटा हुआ है अभी, हमारा भाई भी लेटेगा। तो उनको एक चीज़ दिखानी थी मुझे, तो मैं सोच रहा था कि दिखा देता हूँ करके। जो हमारी जनता है, तो जनता देखो हमारी सारी मोबाइल पर लगी है, अपने अपने हिसाब की चीज़ें देख रहे हैं, कोई बात कर रहा है। और इधर देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है, वो भी लगाया मोबाइल पे हैं। पूरी जनता मतलब इधर को जितने भी लोग बैठे हैं सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। देखो यहाँ की इधर की जनता है वो भी मोबाइल पे है, देखो देखो खाली बैठे हैं, टाइम पास में लगे हैं। मोबाइल ही सबकी एक मात्र टाइम पास है। कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार ये मोबाइल बंद हो जाएगा तो क्या होगा इस देश का। पानी भाई पानी, ये भाई पानी के लिए परेशान है देखो। हाँ पानी हाँ। क्या हो गया भैया? पानी के लिए क्या परेशान है? बहुत देर से भाई पानी पिलाने में लगा हुआ है। और भाई क्या हाल है? चलाओ चलाओ तुम भी मोबाइल चलाओ यार। तो पूरी जनता लगी हुई है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने में, मोबाइल में कुछ ना कुछ, कभी कोई गेम खेल रहा है, कोई बात कर रहा है, बताओ यार। सही है, इधर कोई खाना खा रहा है भाई। भाई लोग YouTube में मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो यार, YouTube खोलो सब लोग। तो भाई लोगों को अपने सब्सक्राइबर मान लेता हूँ और अपनी फैमिली में जोड़ लेता हूँ सबको मैं। देखो भाई मजबूरी इंसान को क्या क्या करवाती है, लेडीज है देखो, मूंगफली बेच रही है यार, ये देखो। थोड़ा बहुत बचा हुआ है सफर, अभी 9 बजे आया है, तो आई थिंक मॉर्निंग में पहुंचेंगे हम लोग 6-7 बजे तक। तो यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, एक भाई बैठा है बगल में, उसको भी नींद आ गई है, फुल लट्टू घर का भी, और मैं भी यहाँ मतलब बैठा हुआ हूँ, सोया था थोड़ी देर, अभी तो ठीक है फिलहाल। ओम प्रकाश भाई को बैठा दिया सामने पे और हम बैठ गए हैं दूसरी तरफ, तो लोकेशन चेंज करते रह रहे हैं, कभी लेट ना हो रहा तो मैं इधर आ जा रहा हूँ, या उसको लेट ना हो रहा तो वो इधर आ जा रहा है। तो नाइट में गाइस सोने का भी ये होता है कि यार एक जना उठा रहेगा, एक जना सोए रहेगा, कंटिन्यू एक मतलब बंदा सोते रहे, तो यार ट्रेन में मतलब सतर्क रहना पड़ता है। तो देखो ये पानी वानी वाले बहुत आते रहते हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो भाई ऐसा ही है, बस एंजॉय लेते हुए जा रहे हैं हम सफर का, मजा लेते हुए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में पहुंचेंगे भाई 7 बजे तक लखनऊ। चलो फिर मिलते हैं हम लोगों से रास्ते में, अगर बढ़िया इंटरेस्टिंग मिलता है कुछ, मैं तो फिर लखनऊ में होगी मुलाकात। क्या बोल रहा हूँ, विदेशी यार तुम पागल मार, समझ गए?
इतना मारूंगा अभी सब उतार दूंगा एक मिनट में। फोन करे पागल मंगल फोन लगा लेती हूँ अपने आप पागल। बच्चे यार छोटे छोटे यार नहीं आ रही है समझ नहीं यार कौन की भाषा यार गरीब इतने बड़े आदमी हो तो क्या खिलाने तो फाइनली दोस्तों मैं 8 बजे करीब घर पहुंचा क्योंकि चार बाग में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि पेपर चलने वाला है पीजीआई में तो उसकी बहुत सारी भीड़ थी तो इसलिए जो है मैं लेट हो गया थोड़ा घर पहुंचते ट्रेन में दो बंदों की लड़ाई हो रही थी तो उन दो बंदों की लड़ाई का इसलिए हो रही थी क्योंकि एक बंदा जो था वो बैठा हुआ था वहाँ पर को और उसने डोर क्लोज कर रखा था और मोस्टली होता क्या है तो जो जनरल बुगी होती है जनरल बुगी का जो डोर होता है उसको ओपन रखना पड़ता है क्योंकि अब जितने भी जो बिना रिजर्वेशन वाले हैं और जो जनरल का टिकट लिया जिनने वो आते हैं और बैठते हैं उन जनरल वाली सीटों में तो उस बंदे ने क्या करा दरवाजा डोर ही क्लोज कर रखा तो कौन अंदर आ पाएगा तो बाहर से देखा भी होगा आप लोगों ने कि बाहर से भी लोग चिल्ला रहे थे तो बाहर अंदर से वो गाली पकड़ रहा था चल निकल लिए वो करके बहुत सारी बातें कर रहा था तो वो सब चीज़ें भी मैंने शूट करी थी तो दिखाया आप लोगों को। तो दूसरा वाला एक बंदा आया तो उसने बोला कि यार तुमने गलत कर रखा है दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए यहाँ पर हर किसी के बैठने के लिए होता है ये वो तो गलत नहीं था वो भी सही कर रहा था तो वो मान नहीं रहा था तो इसलिए जो है तो थोड़ी देर में रेलवे की जो पुलिस होती है रेलवे की पुलिस आई फिर उन लोगों ने मैटर को थोड़ा क्लोज करा उसके बाद फिर मैटर नॉर्मल हो चुका था फिर बाकी हम लोग पहुंच चुके थे और बाकी बढ़िया रहा सफ़र और एकदम मस्त मज़ा आया। जब से मैं उज्जैन गया हूँ तो उज्जैन जाते समय मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए और बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों ने देखे भी होंगे और बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों से मिस भी हो गए होंगे तो वो सारे ब्लॉग अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो बनाई बहुत सारी जगहें मैं घूमने के लिए गया तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और काफ़ी मज़ा आया मुझे वहाँ पे। तो आई होप आप लोगों ने भी मेरी वीडियो में इन्जॉय किया होगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे को भी लेके आने वाला हूँ और नई नई जगहें एक्सप्लोर करने वाला हूँ और भी तो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग से वो सब वीडियो मिस ना हो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त बाय बाय। और हाँ भाई ये लोग अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा लेना क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आनी बहुत ज़रूरी है अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप लोगों का वीडियो नहीं पहुँचेगी तो बेल आइकन दबा लेना। चलो फिर बाय।